देख रहे हो तुम, देख रहे हो तुम्हारे केस पर कितनी मेहनत कर रहे हैं हम। मैं तो कुत्ते की तरह मेहनत कर रहा हूं यार तुम्हारे केस के लिए। एक पुलिस वाला होकर मैं कार डीलर बना, और कितना अच्छा कार डीलर बना मैं यार। तुम पे कितना बड़ा एहसान किया है यार हमने। तुम्हें तो मेरी पूजा करनी चाहिए यार, पूजा की थाली यूं हाथ में लेके मेरे सामने घुमानी चाहिए, यूं फूल लेकर मुझ पर छिड़कने चाहिए तुम्हें, यूं अगरबत्ती लेके मेरे सामने जलानी चाहिए, हाथ में घंटी लेकर यूं बजानी चाहिए तुम्हें। ब्रो, इट इज द योर द टर्न वाज। क्या इसका कहने का मतलब है कि अब हमें खुश करने की तुम्हारी बारी है। Yes! क्यों आप खुश नहीं है? 12 का एवरेज है। ब्रो, बात ये है यार, तुम हमें बाहर लेके जाओ, कहीं घुमाओ फिराओ, खिलाओ पिलाओ यार, कोई पार्टी शार्टी दो यार। एक्सक्यूज मी, मैं किस खुशी में आप लोगों को पार्टी दूं? ना ना, मुझे बताइए, क्या मेरी नौकरी चली गई इस खुशी में पार्टी दूं? या मेरी सैलरी के पेट्रोल से लोग दिल्ली आगरा जयपुर घूमाए इस खुशी में पार्टी दूं? अरे 12 का एवरेज है। अरे तो तुम्हारा केस सॉल्व कर रहे हैं ना यार तुम्हारी नौकरी नहीं जाने दूंगा मैं, ये मुझे अपनी नौकरी की कसम है। देखो यार, क्या है कि वो चिलमन रोड जो है ना, वहां पे एक नया ढाबा खुला है, तो मेरे ख्याल से आज शाम को ना तुम वहां पे मिलो, वहां पे तंगड़ी कबाब कमाल का बनता है एकदम। दोनों की मैं टंगड़ियां तोड़ के हाथ में दे दूंगी अगर दोबारा किसी से कुछ भी मांगते हुए दिखे दोनों, समझे? माफी मैडम, माफी माफी। और तू क्या करने आया है? मैडम मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, 12 का एवरेज है। अबे मारी माफी कोई चना रेबड़ी नहीं है जो हर जो है ठेले पे मिलती रहे। किस लिए मांगनी माफी? मैडम मैंने आपको गलत समझा, मैंने समझा कि आप मुझे इंसाफ नहीं दिलवाएगी, जबकि आपका तो 12 का एवरेज है। अरे तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो यार? अरे हमारी मैडम ने तुम्हारे केस के लिए वो सेल्स गर्ल तक बनी, और क्या सेल्स गर्ल बनी यार, मतलब सेल्स गर्ल बन के एकदम पटाखा लग रही थी, मेरा मतलब है एकदम आइटम लग रही थी, मेरा मतलब है कितनी खूबसूरत लग रही थी यार। वेल ब्रो, यू द डिड द नॉट द वरी द वी द विद द यू द। क्या ये दादाजी क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो इनका 3 का एवरेज लग रहा है। या दिस द वन, जाल बिछ चुका है और वो घुमक्कड़ फैमिली उसमें फंसने भी वाली है। किसी भी वक्त शोरूम से हमारे आदमी का फोन आता होगा। हाँ ये अच्छा, हाँ ठीक है, सही है। बोलो गाड़ी लेने पहुंच गए। ओके, बाकी तुम्हें बेरा है क्या करना है? साहेब 1000 रुपए उधार हो गए हैं, कब चुकाएंगे? अबे चुका देंगे बे, चुका देंगे, किसका दिया है जो तुम्हारा रखेंगे? और तुम्हें तो खुश होना चाहिए बे, हम तुम्हारे ठेले पर आके केले खाते, हम इस इलाके के इंस्पेक्टर है, हम इस ठेले पर आते ना तो तुम्हारा रुतबा बढ़ता है, हैं समझे? सुनो, येल्लो वाला केला खिला, फ्रेश येल्लो, एकदम मुफ्त खोर आ गए। सर आप यहाँ? हाँ केले खा रहे। देखिए भैया, हमें दो ही चीज का शौक है, एक है केला और एक है दूध। और इस ठेले वाले को हमने ये ठेला खोल के दिया है, क्यों बे? हाँ साहेब, और जब तक हम इस ठेले पर आने जाते ना तो इसकी बोनी अच्छी नहीं होती है। What? क्यों बे? हाँ मैडम जी, अरे कितने बार साहब को मना किया है, कितने बार मना किया है, फिर भी रोज साहब आता है केला खाते हैं, और रोज 1 से 2 हजार रुपया दे के जाते हैं। और देखिए आज भी केले खा रहे हैं, आज भी 1000 रुपया दे के जाएंगे, है ना साहब? वाह
वाह सर, के बात है, आप ना सिर्फ एक बहादुर अफसर हैं बल्कि बड़े दिलवाले भी हैं। वेरी गुड सर। दुआएं दुआएं लेते रहते हैं हम इन जैसे सालों की। मेरा मतलब है, सालों से हम इन जैसे लोगों की दुआएं लेते रहते हैं। तो साहब 1000 रुपया दीजिए। 1000 रुपये चाहिए ना? लो 1000 रुपये ले ले, ले, ले। ये लो 1000 रुपये, 1000 रुपये लो और इसी तरह मेहनत से काम करते रहो। हाँ हाँ, थैंक यू साहब। वैसे मिस चौटाला, आप हमें देखकर ही आई हैं या इधर आके आपने हमें देखा? सर मैं यहाँ से गुजर रही थी तो आपको देखा, तो मैंने सोचा आपको संग ले चलूं। मैं केस सॉल्व करने जा रही हूँ, एक जरूरी। आइए बैठिए। केस के सिलसिले में देखिए, हम आपके साथ तो जरूर आते हैं, लेकिन आपने कातिल सिंह का नाम सुना? मशहूर क्रिमिनल कातिल सिंह, वो इस एरिया में देखा गया है और हम उसे पकड़ने जा रहे हैं। ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो मैं आपने ना रोकूंगी। ऑल द बेस्ट सर। लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना, हमेशा लड़कियों से दूर रहना। नमस्ते। केले वाला कहाँ गया? अबे रोके रोके रोके, आइए खाइए फ्री की आइसक्रीम, खाइए आइए आइए खाइए फ्री की आइसक्रीम खाइए। अरे अरे अंकल जी, आप आइसक्रीम फ्री में क्यों दे रहे? जिंदगी टूरिज्म है क्या? है रे साहब, मेरी बीवी दूध वाले के साथ भागी, इसलिए मैं फ्री में आइसक्रीम बांट रहा हूँ। जी 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 जी, चलो ना फ्री की आइसक्रीम खाते हैं घूम घूम के। सुन रहे हो, फ्री की आइसक्रीम है, फ्री का माल तो हम छोड़ते नहीं है। चलो टूट पड़े, चलो मत देखिए ना, चलो बिल पड़ते हैं आइसक्रीम। वैसे भी आज गर्मी बहुत ज्यादा है। अरे उधर जाओ तुम, वहां से कनेक्ट करो। चॉकलेट वाली है क्या? इनको भी दीजिए। ये लीजिए। ये लीजिए। एक और दे दीजिए रास्ते में। ये लीजिए। खाइए, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है, खाइए खाइए। ये और भी कोई है? और भी फ्लेवर है, ये देखिए, ये भी है। अरे यार, अंकल आपसे एक सवाल पूछूं? Do I have a choice? पूछो। अंकल ऐसी कौन सी चीज है जो आप नाश्ते में नहीं खा सकते? ऐसी कोई चीज नहीं है। अरे हमारी मर्जी है यार, हमें पराठा खाना है नाश्ते में हम खाएंगे, हमें अगर सब्जी रोटी खानी है नाश्ते में हम खाएंगे, चिकन तंदूरी खाना है नाश्ते में हम खाएंगे। पहले बोलो कि मैं गधा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तुम गधे हो, बताओ। नहीं, मेरा मतलब कि आप गधे हो। ठीक है, मैं गधा हूँ, बताओ। वो दो चीजें जो हम नाश्ते में नहीं खा सकते हैं, वो है डिनर और लंच। Okay.
तुमने क्या सोचा कि तुम इंस्पेक्टर बजरंग पांडे से 1000 रुपए लेकर निकल जाओगे? 1000 रुपए निकाल बे। अरे साहब इतना तो रहने दीजिए, पूरे 10,000 रुपए के आप केले खा चुके हैं और एक फूटी कौड़ी तक नहीं दिया है। अबे हम 10,000 केले और खाएंगे तुमसे, समझे? अबे सुन, हम तेरे पैसे चुकाना चाहते हैं, लेकिन ये 1000, 2000, 10, 50 छोटा छोटा अमाउंट है ना, 1-2 लाख का बिल हो जाए फिर तेरे मुंह पे मारेंगे, हैं? What? 1000 रुपए निकाल। अरे साहब कमाल करते हैं क्या साहब? सर नहीं, आप तो कातिल सिंह ने पकड़ने गए थे, यहाँ क्या कर रहे हैं अभी तक केले वाले से? कातिल? हाँ याददाश्त अच्छी आपकी। कातिल सिंह हम पकड़ने गए तो थे, लेकिन जैसे उसे पता चला कि इंस्पेक्टर बजरंग पांडे आ रहा है, वो कांप के भाग गया हमारा नाम सुन के। वैसे आप तो जीप में गई थी ना, ये गाड़ी में कैसे आ गई? अरे सर एक केस निपटा रही हूँ, केस का मामला है। पर आप तो इसे थोड़ी देर पहले 1000 रुपए दे रहे थे, अभी वो ही वापस ले रहे हो, क्या चक्कर है सर? नहीं बे, 1000 रुपए मैं वापस ले रहा हूँ क्या? हाँ नहीं साहब, हम वापस नहीं ना ले रहे। वो क्या हो गया ना, हम यहाँ से गुजर रहे थे और इसने हमें रोक दिया और हमसे कहने लगा कि साहब आपने जो हमें 500-500 के नोट दिए है वो जरा साइड से ना फटे हुए, और हमसे दूसरे नोट मांगने लगा। अब हम ठहरे सीधे साधे शरीफ इंस्पेक्टर, कहा 1000-1000 नोट हमारे जेब में पड़ा रहेगा, तो हमने ऐसे कहा कि भैया तुम हमें ये 500-500 के नोट दे दो और कल हम इसे गोंद से चिपका के आएंगे, हिलो डुलो मत, हाँ हम कल गोंद से चिपका कर आएंगे, क्यों बे? हाँ साहेब। गो गो गुड बॉय। सर एक बात कहूँ? कहो जी कहो। आप ऐसे पुलिस में होने के लायक नहीं है सर। क्यों? अब सर आप इतने जाबाज हैं और जितने दिलेर हैं ना उतना बड़ा आपका दिल भी है सर। अब क्या करें मिस्टर चौटाला, आप पुलिस चौकीदार हैं? यस सर। तो आप गाड़ी में चल रही है, हम आपके पीछे अपनी फटफटिया में आते। ये वाली? जी ये वाली। ओके सर। एकदम रेडी है तू? हाँ मैडम एकदम रेडी, चकाचक। गोपी उन लोगों को लेके आता ही होगा, पहले की तरह कोई ओवर एक्टिंग ना करियो प्लीज। मैडम ये क्या कह रही हैं आप, ओवर एक्टिंग? और मैं, मैडम वो फिल्म आई थी ना अभी दबंग, उसके हीरो के लिए पहले मुझे ही साइन कर रहे थे, बाद में चेंज कर दिया ऐसे ही। चल 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 चल। नहीं, बंद करो ये बातें हैं, जो भी उन लोगों को पकड़ के ला रहा है गोपी। ओके बाय। कौन आ रही? कौन कौन? अरे अरे लेकिन अंकल हम लोग बेकसूर है, जिंदगी टूरिज्म है। ये आदमी ये देख रहे, देखो हमको दूसरा कुछ नहीं मांगता, लेकिन हमको हमारा एंटिक कार चाहिए। मतलब मांगता है, मतलब मांगता है। ये आदमी किधर लेके गया, चोरी करके लेके गया एंटिक कार ये आदमी, देखो। अरे बाबा जी आपकी कार एंटिक कार थी, जिंदगी टूरिज्म है। लेकिन वो तो बहुत ही नॉर्मल सी कार थी, ऐसे मत देखिए ना। हाँ मैडम वो तो बहुत ही साधारण सी कार थी, घूम घूम के घुमा घुमा के लप्पड़ बजेंगे अभी तीनों को। चोरी करके कहाँ बेची है ये अंकल जी की एंटिक कार? दिमाग का दही नहीं करने का, हमको एंटिक कार मांगता है, और अगर एंटिक कार नहीं देगा तो हमको 1 करोड़ रुपया दे दो। नहीं भगवान, 1 करोड़ रुपया? एक मिनट संभालो अपने आप को, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? ऐसे मत देखिए ना। Well, if you not give money, then for you jail have bunny. अरे अरे मैडम, आप यकीन मानिए मैडम, हमें तो पता ही नहीं कि वो कार चोरी कैसे हो गई, जिंदगी टूरिज्म है।
दरअसल हम लोग तो टेस्ट ड्राइव के लिए कोलकाता के लिए निकल चुके थे मैडम, जिंदगी टूरिज्म है, और रास्ते में ना मैडम एक आदमी फ्री में आइसक्रीम दे रहा था, तो हम लोगों ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से सब आइसक्रीम खाने के लिए उतर गए। क्यों सुशीला? हाँ सुशील जी, मैडम वो कहना एक्चुअली हमारी एक मुफ्तखोरी की आदत है, फ्री की कोई भी चीज़ हम ऐसे छोड़ते नहीं है। ऐसे मत देखिए ना। बस यो जो मुफ्तखोरी की आदत है ना, इसी मुफ्तखोरी की वजह से आज जो नौबत आ गई है कि सब परिवार जेल जाना पड़ेगा। नहीं कोई आई, यो जो मुफ्तखोरी की आदत है ना, इसी मुफ्तखोरी की वजह से आज जो नौबत आ गई है कि सब परिवार जेल जाना पड़ेगा। नहीं, पहले तो उस मदन गोपाल से मुफ्तखोरी में बिल्कुल ही गाड़ी टेस्ट ड्राइव पे लेके नॉर्थ भ्रमण कर लिया भारत का, दिल्ली जयपुर आगरा जैसलमेर की खाक छान ली। उसके बाद जो है किसी और की जो है गाड़ी लेकर चले थे कलकत्ता वगैरह, और फिर कोई आइसक्रीम दे रहा है तो वो भी मुफ्त में, बिल्कुल ललचा गए मुफ्त की चीज पे, टूट गए आइसक्रीम पे, गाड़ी छोड़ दी ऐसी और निकल आए, कोई चुरा के ले गया। ये बेटा मुफ्त में जेल जाओगे तीनों, और मुफ्त की रोटियां तोड़ना खुशी से। जेल में डालो ये लोग को। ए, पहाड़ पे गई मुफ्तखोरी मैडम, जिंदगी टूरिज्म है, इस मुफ्तखोरी के चक्कर में हमें जेल जाना पड़ेगा, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, जिंदगी टूरिज्म है। हमें माफ कर दीजिए मैडम। मैडम हम प्रॉमिस करते हैं अब कभी भी ना फ्री की कोई चीज नहीं लेंगे। ऐसे मत देखिए ना। मैडम जी मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मैं जेल नहीं जाना चाहती। घूम घूम के अगर जेल नहीं जाना है मुफ्तखोरों को, तो उस मदन से जो है ना वो गाड़ी खरीदो जिसमें बैठ के बिल्कुल ही टेस्ट ड्राइव पे निकल लिए थे, जिसकी वजह से उसकी नौकरी जाती रही, और 20,000 जो उसने तेल के डलवाए ना गाड़ी में, वो दो उसे वापस। मंजूर से? हाँ मंजूर है मैडम, जिंदगी टूरिज्म है। गुड। मदन करवा इनसे गाड़ी के पेपर साइन। गाड़ी के पेपर से साइन करो। वैसे भी आप लोग टेस्ट ड्राइव तो ले ही चुके हैं ना, और आपको पता है 12 का एवरेज है। कहाँ करना है? यहाँ पे। थैंक यू थैंक यू, वेरी गुड। कल यो जो है चेक लेने आएगा तुम्हारे घर पे और फिर डिलीवरी करवा देगा गाड़ी की। इब निकलो। जी मैडम, जिंदगी टूरिज्म है। अरे लेकिन मैडम बाबा जी की कार। अबे इनकी कार हम करवाएंगे बरामद, पुलिस वाले हैं हम, समझे? हमें हमारा काम ना सिखाओ। निकलो तीनों, वरना डाल दूंगी जेल में। ठीक है मैडम, जिंदगी टूरिज्म है। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच मैडम, आपकी वजह से मुझे मेरी नौकरी भी मिल गई और अब सैलरी भी मिल जाएगी, 12 का एवरेज है। गुड गुड, चलो भाई काम पे लगो, वर्दी में। मैडम ओके थैंक यू। वैसे अब जरा वो चिलमन रोड पे ढाबे पर जाना बनता है। चिलमन रोड भूल गए? टकड़ी कबाब खाएंगे बैठ के। अच्छा अच्छा अच्छा, पार्टी। ठीक है दे देता हूँ, 12 का एवरेज है। कैरी ऑन लो, हो जाए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।